अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ मनीष कुमार, राइटर माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, हर बार आपके बीच में कुछ ना कुछ जानकारियाँ लेकर, कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ मनोरंजन लेकर उपस्थित होता रहता हूँ माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली के सौजन्य से। आज मैं एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे चेहरे को आपके बीच में लेकर आया हूँ जो कि भागलपुर बिहार के वासी हैं और यहीं दिल्ली में रहते हैं और बहुत ही भारी भरकम काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने गाना को नहीं छोड़ते। गाने से बहुत लगाव है, संगीत से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, इनका नाम है पुरवैया शर्मा। जी हाँ, पुरवैया शर्मा भागलपुर के निवासी हैं। भागलपुर में ये गांव वगैरह जो भी है ये खुद अपने मुंह से बताएंगे, कौन सा गांव पड़ता है, कौन सा थाना पड़ता है, पूरा बायोडाटा अपना ये बताएंगे। और जिस तरीके से आप लोग मेरे यहाँ जितने भी कलाकार आते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में लोग आते हैं और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद उनको देते हैं, वैसे ही अपना प्यार दुलार इनको भी दें, इनको भी आशीर्वाद दें ताकि ये भी आगे बढ़ें। इनका जितना भी गाना मेरे यहाँ रिकॉर्ड होता है सारा RCM से रिलीज होता है, RCM से ऑडियो वीडियो इनका जाता रहता है। पहले पुरवैया प्यारा के नाम से जाता था लेकिन प्यारा को हटा के अब शर्मा कर दिया गया है। पुरवैया शर्मा के नाम से इनका जितना भी गाना आएगा वो अब पुरवैया शर्मा के नाम से आता रहेगा। पुरवैया प्यारा भी इन्हीं का नाम है और पुरवैया शर्मा भी इन्हीं का नाम है, तो प्यारा चेंज करके अब शर्मा रख दिया गया है और शर्मा के नाम से आएगा। तो जो भी गाना इनका आता है आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दें। RCM म्यूजिक से रिलीज होता है, चाहे वो भक्ति हो, लोकगीत हो, या कांवड़ भजन हो, या होली का भजन हो, तो जो भी आता है वहीं से रिलीज होता है। तो आइए अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ पुरवैया शर्मा जी से। ये खुद ही खुद बताएंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे कैसे इस लाइन में है। बाकी कुछ खड्डी मीठी बातें भी इनसे मैं पूछता रहूँगा। तो आइए पुरवैया शर्मा जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं, इनसे आशीर्वाद लें, प्यार दुलार लें। एकदम बिल्कुल, हम भोजपुरी गायक पुरवैया शर्मा, जे भी हमरा देखे वाला, सुने वाला, चाहे वाला, छोट बड़ भाई लोगन, चाचा चाची लोगन, मामा मामी लोगन, सब लोगन के एकदम ताहे ताहे दिल से दसों नो जोड़ के गोर छुके गोर लागत तनी। आज हम बैठल बानी माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में, जे कि सुनल हो कब लोगन, हमाना रहा बे सैया माटी के घर में पक्का पिटवा ही दबलमुआ, हो पक्का पीटा वही द बोलम जी, दिल्ली शहर में पक्का पीटा वही द बोलम जी। एकदम सही सुनने लोगन, एकदम वही बैठल बानी हम माँ विष्णु रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में, जो कि सुनीता सिंह आंटी जी का है। सुनीता सिंह नहीं, स्मिता सिंह। अच्छा, जो भी स्मिता सिंह जो भी है सर, हाँ वो स्मिता सिंह, इनको बोलने में थोड़ा दिक्कत है। कोई उन्हीं के स्टूडियो में हम बैठल बानी और बहुत अच्छा काम होला, बहुत जगह हम गाए, दो चार जगह ऐसे उसे बहुत जगह गाए, लेकिन कहीं हमको प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला और हम अंतिम में यहाँ पकड़े हुए हैं। मेरा ये दूसरा गाना है और सब लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सर बोलेंगे कुछ। चलिए, इनका गाना जो है RCM से रिलीज हो रहा है और आज ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, बहुत बढ़िया। इससे पहले इनका एक ऑडियो वीडियो वहाँ से रिलीज हो चुका है। अब पुरवैया शर्मा के नाम से इनका जो गाना है वो RCM म्यूजिक से रिलीज होगा। सो आप लोग अपना प्यार दुलार इनके प्रति भी बनाए रखें। भागलपुर के निवासी हैं, कुछ आपने अपने भाषा में अंगिका में तो आपने बात नहीं किया, जो लोग भागलपुर के देखने वाले हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग, हमें तो यहाँ कम सब ने आशीर्वाद दो, प्यार दो, एगो सब बिहार के छियों, एगो भाई मनीला, बेटा मनीला, भतीजा मनीला, जे भी मनीला, एकदम सब रो दिल में, सब ने दिल में बसाओ, एकदम ताहे ताहे दिल से आशीर्वाद दो और सबके हमें एकदम पैर छू पैर लगते रहो, सब दिन सब रहो, एकदम रह। बिल्कुल, चलिए अब बात हुई। तो ये भागलपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और बहुत ही मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत ही भारी भरकम काम होता है और कर करके ये कैसे कैसे जो है रुपया रुपया जोड़ जोड़ कर ये इकट्ठा करके गाना गाते हैं दोस्तों। तो आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें। तो एकदम सीमेंट चढ़ावे छियो 4 मंजिल पर 5 मंजिल पर, ईटा ढोवे छियो एकदम पूरा, लेकिन वहनो कीड़ा काटी ले छे अंदर से, संगीत से हमरा थोड़ा भी दूर रहे के क्षमते नहीं छे। बिल्कुल सही बात है कि संगीत की कीड़ा जिसको काट ले, दुनिया में सारी दवाइयाँ बेकार है, सारे डॉक्टर बेकार हैं, उसका कोई इलाज नहीं है संगीत के अलावा, लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसे दिल लगा लें तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, अगर माता की कृपा हो जाए तो। चलिए इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आप
जो है इस फील्ड में कैसे आए, गाने के लिए कैसे इच्छुक हुए, मन कैसे किया कि मैं गाना ही गाऊं? ऐसे तो मतलब मन था मेरे बचपन से ही गाना का, थोड़ा थोड़ा था, मैं गाता में थोड़ा सा माइक वाइक पर गाते भी थे, वो पहले ढोल बजता था, बैंड पार्टी हमारे तरफ का था, वो उस पर गाते भी थे, नाचते भी थे, देख देख के ऐसे मन था, लेकिन मतलब उतना नहीं हो पाता था क्षमता गाने का। तो हम सोचें, एक विचार लगाएं कि हम जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में ही काम करेंगे और वहीं से अपना गाएंगे, काम करेंगे और अपना गाना गाएंगे। तो जैसे कि पुरवैया जी, हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ खट्टी मिट्टी बातें होती है, कुछ दर्द भरी कहानी होती है, कुछ यार दोस्तों से, घर वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से, जिला जवार से, कुछ ऐसी भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा दौर आया है क्या? ऐसे दौर तो गाने को लेकर आपका मजाक उड़ाया हो कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम गा नहीं सकते, या तुम बेसुरा हो, बेतला हो, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आया है? ये तो बहुत आया सर, सबसे ज़्यादा यही चीज़ हुआ कि आपका आवाज़ में दम ही नहीं है, आवाज़ फट रही है, ऐसे वैसे बहुत लोग किया, लेकिन हम अपने आप को दिल को अस्थिर किए, फिर भी हमको नहीं भला लगा, नहीं बुरा लगा, हम एकदम जो भी बोला सब सही रहा, और हम अपने दिल को अपना क्षमता बनाए रखें और गा रहे हैं सबके बात से। लोगों ने आपका भी मजाक उड़ाया? बहुत मजाक उड़ाया सर। अच्छा, बहुत बहुत दोस्त यार बोला कि मतलब आपका आवाज़ नहीं है सही, बाकी सब चीज़ सही है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, फट फट के लग रहा है, मतलब मोटा लग रहा है, फिर भी हम सोचे चलो अगर मन में है तो आवाज़, जब गायकी है तो दिल में है तो आवाज़ भी सही कर लूँगा। सब पब्लिक से ही बोल रहे हैं हम लोग, विनती करते हैं कि आवाज़ भी सही करेंगे। बाकी जो टोटका मैंने बताया है, आवाज़ जो फटता है और आवाज़ भारी के लिए, वो कर रहे हैं यूज? वो यूज कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं आवाज़ के ऊपर। अच्छा जी, चलिए, तो आपकी ज़िंदगी में भी ये जो दौर है ये आया है जी, कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप नहीं अच्छा गा सकते, लोगों ने ऐसा कुछ? बहुत लोग ऐसे हुआ कि मेरे देखा सके वो गाना भी निकाला, गाना भी बनाया। अच्छा भाई, आरू खुश के बाद खुशी का बात है तो कि अपना है जी देखा सके, मैं कोई मेरे देख के कोई गाना गा रहा है तो बहुत अच्छा वाली बात है सर। चलिए, तो दिल्ली आप आए, जब घर छोड़कर दिल्ली आए तो दिल्ली में बहुत सारे स्टूडियो हैं, मेरे अगल बगल में बहुत है, दिल्ली के अंदर बहुत है, पटना में है, बनारस में, तमाम जगह। तो दिल्ली आप मुझ तक कैसे पहुँचे और यहाँ आए, तो यहाँ क्या आपको अच्छा लगा, क्या यहाँ मतलब बढ़िया लगा? बनावट की बातें कुछ नहीं बोलना है, जो रियल लगा हो वही बताइए। जी जी एकदम। अच्छा लगा हो तो अच्छा बोलिएगा। देखिए सर, गाए तो हम बहुत जगह है, मतलब लक्ष्मी नगर है बगल में, वहाँ पर भी गाए 3-4 स्टूडियो में। पटना तो खैर हम गए नहीं किए, जो भी गाना हमारा दिल्ली से ही हुआ है जी, लेकिन ऐसा बहुत जगह हम गाए, लेकिन अच्छा दिल ही नहीं बैठा तो काम क्या होगा सर, सबसे बड़ा बात तो दिल है, मन ही नहीं मिला मेरे को। तो हम अंतिम में आपका वीडियो देखें, हमको संस्कारी लगा, अच्छा लगा, तो हम आपसे वीडियो के थ्रू आपका नंबर निकाल के कांटेक्ट किए, आए एक बार गाएँ, दो बार गाएँ, तीन बार, कितना हम गुस्सा भी होते हैं, बहुत विकास भवाली जी से भी थोड़ा हो जाता है टेंशन और मतलब बहुत से हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो दिल है तो दिल ही है, दिल बैठ गया जो घर की तरह है बस जी। आए आप लोग, जितना भी दोस्त यार है मेरे, छोटे भाई है, बड़े भाई है, सब लोग आए, एकदम पूरा एकदम पूरा एकदम अच्छा तरह से यहाँ काम होता है, ईमानदारी से काम होते हैं। एक मैं ऐसा कलाकार हूँ कि नहीं देखे नहीं सुने, पहले बार एकदम फुल पेमेंट करके हम आए हैं, एकदम निश्चिंत से, हम सोचे कोई मेरा घर ही है, घर समझ के हम आए गाने के लिए, और वैसा ही हुआ मेरे साथ, एकदम पूरा अच्छा तरह से अब भी आ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ और सब दिन ठंड में थे, वहीं से आपने फुल पेमेंट जी कर जी दिया था, जी दिया जी था। एकदम न देखे न सुने, एकदम ऐसे दिल से, क्योंकि दिल मेरा बैठ गया कि नहीं अच्छा जगह पे है, हम जा रहे हैं, काम अच्छा होगा, ईमानदारी से होगा। तो यहाँ आने के बाद मिला जुला क्या है कि मतलब आप घर की तरह, एकदम बिल्कुल घर की तरह, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आइए मस्ती से गाइए, मस्ती से जाइए, एकदम आनंद में, बस ताली ठोक के आइए, मौज फेर के जाइए। चलिए, रिकॉर्डिंग करते वक्त कभी कोई दिक्कत महसूस? कोई दिक्कत नहीं बाबू, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उज्जवल भाई तो मेरा छोटा है, लेकिन इतना उसका पहुंच बड़ा है कि हम क्या बोले, कहने का कोई महताजे नहीं, बाबू इतना मेहनत करता है, वो एक बचपन से कर रहा है वो मेहनत, और इतना मेहनत करता है कि उसके सामने बढ़िया बढ़िया एकदम फैल है, एकदम दिल से करता है, ध्यान से करता है, बचपन ही उसका वैसी में है सर। और आइए, बहुत अच्छा से काम होगा, बहुत अच्छा से, एकदम भाई के तरह, घर के तरह, पापा के तरह, भाई एकदम पूरा अच्छा तरह से होता है गाना, मिक्सिंग, वोकल, बाकी सब बढ़िया, मतलब मिला जुला कि आप यहाँ खुश हैं, संतुष्ट, पूरा एकदम खुश, एकदम तहे तहे दिल से एकदम। चलिए, तो दोस्तों ये हमारे पुरवैया शर्मा जी हैं, और ये अब लगातार यहाँ से इनका रिकॉर्डिंग हो रहा है, RCM म्यूजिक से रिलीज होता है, RCM से इनका गाना सारा मैं रिलीज करवाता हूँ।
देखिए ये स्टूडियो ऐसा है कि पर्सनली ये नहीं कि आप अगर यहाँ गा रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से ही रिलीज करना है या यमुना म्यूजिक से, जहाँ मर्जी से करिए आप, जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ से हम लोग काम करवाते हैं। आपकी इच्छा है कि हमें आरसीएम से करना है, रिया से करना है, लोटस से करना है, जेके यादव से करना है, संजीवनी से करना है, यमुना म्यूजिक से करना है, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से मैं रिलीज करवाता हूँ। रिलीजिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है। 2-3 कंपनियाँ हैं जहाँ रिलीजिंग का चार्ज लगता है, वहाँ के लिए मैं बोलता नहीं हूँ। अगर कोई सिंगर कहता है कि मुझे वहाँ से करवाइए तो वहाँ रिलीजिंग का चार्ज लगता है, वो देना पड़ता है। बाकी जो 2-4-5 कंपनी जहाँ से मैं करवाता हूँ वहाँ कोई रिलीजिंग का चार्ज नहीं लगता। जो हमारा पैकेज है उसी पैकेज में आपका सारा काम होगा। जो ऑडियो वीडियो का हमारा पैकेज है, वीडियो भी मैं करता हूँ, ऑडियो भी करता हूँ, म्यूजिक नया बनता है, सारा नया काम यहाँ पर होता है और तरीके से कायदे से काम होता है। सो आप लोग चाहें तो आप लोग भी आकर एक बार देखें, अजमाइए, काम कीजिए ना कीजिए, लेकिन आए आप लोग संतुष्ट होइए पहले। हाँ बिल्कुल, एक बार लेकिन आए, सेवा का मौका दो, उसके बाद आप लोग काम कीजिए। तब काम करने के लिए तो तमाम दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक फन्ने खां बैठे हैं, सिर पर सवा सिर बैठा हुआ है काम करने के लिए, लेकिन हर आदमी का अपना अपना तरीका है। तो बस वैसे ही मैं चाहूँगा। और बाकी इनके ये मित्र हैं राहुल पासवान जी, जो इनके साथ रहते हैं, इनके साथ ही काम करते हैं और सहयोगी हैं इनके जी जी। ये भी बेचारे जो हैं मेहनत कर रहे हैं और मिल के अपने दोस्त का सपोर्ट कर रहे हैं राहुल पासवान, और अभी तो इनका पैसा कौड़ी नहीं लगा सकते इनके पीछे, लेकिन इन्होंने हिम्मत बांधा हुआ है कि जब मैं कमाऊँगा और कुछ पैसा आएगा तो मैं भी इनके पीछे पैसा लगाऊँगा और पुरवैया शर्मा जी को आगे बढ़ने में मदद करूँगा। तो क्योंकि दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोग मिल के जो है कर रहे हैं मेहनत। अभी फिलहाल कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे, चलिए, कैमरे में हर आदमी बोल नहीं पाता है, कोई बात नहीं, दोस्त है मेरा, हाँ, भाई है, बस भाई दोस्त की तरह रहते हैं, बड़े प्यार से मिलजुल के एक दूसरे के साथ। तो आइए आप लोग बस अपना प्यार दुलार बनाए रखें इन पे, और माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली पे जैसे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, सो आप लोग बनाए रखें। और जितने हमारे ऑफर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली को सब्सक्राइब कर लीजिए, यमुना म्यूजिक भोजपुरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, यमुना म्यूजिक भक्ति को कर लीजिए, यमुना म्यूजिक डीजे है हमारा, यमुना डीजे हिट है उसको कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर हर जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। और पुरवैया जी आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन एक बात सर, एक बात हम भूल गए हैं कि हम फाइन हूँ अब देश प्रेमी जी का। अच्छा, हाँ, उसी तरह से मैं उसी का सीख रहा हूँ, उसी के तरह से हम गा भी रहा हूँ, हर चीज़ अवधेश प्रेमी जी को हम फॉलो करते हैं। चलिए अच्छी बात है कि अवधेश प्रेमी को आप फॉलो करते हैं, अवधेश प्रेमी क्या फैन है, फैन है जी, बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है कि कोई ना कोई किसी ना किसी का फैन होता है, किसी ना किसी को अपना आदर्श मानता है, कोई पवन सिंह को उन्हीं का गाना सीख के हम गाते हैं, उन्हीं के तरह गाता हूं, उन्हीं के अंदाज में गाते हैं और उन्हीं के तरीके से करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अवधेश प्रेमी के ये फैन है। चलिए आप लोग भी किसी ना किसी के फैन होंगे, किसी ना किसी को मानते होंगे, सो मानते रहिए। हर आदमी की ज़िंदगी में एक दूसरे का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई किसी को फॉलो करके आगे बढ़ता है। तो चलिए इसके साथ ही आप लोगों से प्यार आशीर्वाद चाहते हुए राहुल पासवान, पुरवैया शर्मा और मैं मनीष कुमार राइटर माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली के सौजन्य से आपके बीच में हर बार आता रहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7827813707। कॉलिंग करके आप कुछ भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, व्हाट्सअप नंबर होता है, सो कुछ किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए इसके साथ ही आप सभी से विदा चाहते हुए, जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।